Hi kids. Hi sir. How are you? I'm fine, thank you. अब देखो लास्ट टाइम पे जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, जब बच्चे क्या हो रहे थे परेड को देखने के लिए कहाँ गए थे, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे। अब देखो अब बच्चे क्या हो गए, लाल किले के पास पहुँच गए हैं। When we reached Red Fort, there was a long queue for tickets. The main entrance is called Lahori Gate. अब देखो बच्चे जहाँ गए हैं रेड फोर्ट पे, रेड फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है उसका नाम क्या है, लाहौरी गेट। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स, दिस इज कॉल्ड मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। अब वो क्या किए बच्चे, जैसे ही लाहौरी गेट के अंदर घुसे, लाहौरी गेट के अंदर घुसने के बाद बाईं तरफ, बाईं तरफ क्या है, एक बाजार है, जिस बाजार का नाम क्या है, मीना बाजार। अब वहां से इस बच्चे ने क्या किया, अपनी बहन के लिए क्या खरीदी, चूड़ियां खरीदी। ठीक है, अब ये देखो ये मीना बाजार का क्या है, मार्केट। ठीक है, ये मार्केट है और ये है लाहौरी गेट। क्लियर है। अब देखो ये वहां का मैप है अंदर का, मतलब एक मैप हमने पहले देखा था ये वाला। ठीक है, ये मैप तो कहां का था, राष्ट्रपति भवन से और लाल किले तक जाने का ये पूरा मैप था। अब देखो अब हम इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं, अभी इस लोकेशन के अंदर का मैप है ये वाला, ये रेड फोर्ट के अंदर का मैप है। क्लियर है, सारा मैप दिख रहा है। ये लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट से अंदर कहां गए हैं हम, जैसे हम अंदर घुसे वैसे ही क्या है, मीना बाजार। फिर हम कहां पहुंचे हैं, नक्कार खाना। फिर हम गए हैं दीवाने आम। अब दीवाने आम से जैसे हम अंदर जाते हो तो यहां पर कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग दिख रही है, मोती महल, रंग महल, आरामगाह, खास, हमाम और मोती मस्जिद। क्लियर है। अब देखो अभी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन हैं। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम, दिस इज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल। अब देखो जैसे ही हम गेट से अंदर घुसे, गेट से अंदर घुसते ही जहां पहुंचे वो कौन सी जगह है, दीवाने नक्कार खाना। और नक्कार खाना को जैसे ही आप पार करोगे वो कौन सी जगह आएगी, दीवाने आम। दिस इज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल। अब दीवाने आम कौन सी जगह है, दीवाने आम वो जगह है जहां पर कि राजा क्या होते थे, जो साधारण जो लोग होते थे, जो जनता होते थे, उस जनता से क्या करते थे, मिलते थे। ठीक है। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। और दीवाने आम को जैसे ही आप पार करोगे तो हमको क्या, कौन सी बिल्डिंग दिखाई देती है, रंग महल। इट इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, देयर वर थ्री मोर बिल्डिंग्स ऑन अवर लेफ्ट साइड, लुक फॉर दीज ऑन द मैप। अब वो बोल रहे हैं दीवाने आम से जैसे हम रंग महल की तरफ गए, रंग महल के लेफ्ट हैंड साइड में, अब पहले ये बताओ कि रंग महल का लेफ्ट हैंड साइड है कौन सा, रंग महल का, उंगली लगाओ उधर, हाँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं तीन बिल्डिंग्स के नाम बता दो, कौन कौन सी तीन बिल्डिंग्स हैं यहाँ, आरामगाह, मोती मस्जिद भी है, ओके, और दीवाने खास, और एक ये क्या है, हमाम। ठीक है, We walked left from Rang Mahal. Diwane Khas was where the king used to meet his ministers and other important people. अब वो बोल रहे हैं दीवाने खास कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजा क्या है, अपने मंत्रियों से मिलते हैं और अपने जो खास खास लोग हैं उन लोगों से क्या होते हैं, मिलते हैं। अब देखो फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास। ठीक है, अब देखो ये रंग महल है और ये क्या है, दीवाने खास के अंदर की ये क्या है, पिक्चर। देखो जो मैप हमने देखा है उस मैप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू रिवर यमुना, दीवाने आम और दीवाने खास। अब देखो ये मैप में कहीं पर रिवर यमुना है, कहां पर है, यमुना रिवर है, ये कौन सी रोड है, रिंग रोड, सुभाष मार्ग। ठीक है, अब आप वो बोल रहे हैं कि यहां पर दो बिल्डिंग्स है, दीवाने खास और दीवाने आम, कौन सी रिवर यमुना से पास है, दीवाने खास, ओके, दीवाने खास। बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगाह, आरामगाह कौन सी दो बिल्डिंग्स के बीच में है, आरामगाह, ओके, रंग महल और हाँ बोलो, दीवाने खास, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ये आरामगाह लोकेटेड है। क्लियर है। विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम, रंग महल से हमाम की तरफ जाते हुए आप कौन कौन सी बिल्डिंग्स को क्रॉस करोगे, रंग महल से हमाम की तरफ जा रहे हैं हम कौन कौन सी बिल्डिंग्स को क्रॉस करेंगे हम, आरामगाह, ओके, आरामगाह, मोती मस्जिद,
मोती मस्जिद को कहाँ पार करोगे? मोती मस्जिद तो यहाँ है सर, ये जी हाँ, दीवाने खास। तो इन दो बिल्डिंग्स को आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज फार्देस्ट फ्रॉम द मीना बाजार? अब वो बोल रहे हैं मीना बाजार से इनमें से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है, सब देख के बताओ। मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? कौन सी? मोती महल, मोती महल। ये है सबसे दूर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास? लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूरी पे है? अब देखो ये कैसे निकालोगे आप बताओ मुझे, स्केल से निकालेंगे? हमने कहा से लाहौरी गेट से कहाँ की डिस्टेंस निकालनी है? लाहौरी गेट से दीवाने खास की। अब देखो, अब सबसे पहले हमको स्केल पढ़ना है यहाँ पे। 1 centimeter इज इक्वल टू 100 meter। अब देखो पहले नापेंगे हम, सबसे पहले कहाँ से नापेंगे? लाहौरी गेट से कौन सी लोकेशन नापेंगे हम? दीवाने आम को। देखो कितनी है ये, लगभग 4.3। ओके, अब देखो ये कितनी है, ये कितनी है? पॉइंट 0.5। अब देखो हम यहाँ से यहाँ इधर जाएंगे, ठीक हो गया? यस सर। कितनी है ये? 1.2 बताओ। 3.45 1.5। और अब हमको आराम खास से कहाँ जाना है? दीवाने खास में। ये भी लगभग कितनी है? आधा। आधा मतलब 0.5। ये होगी, ये कितना था? 1.5। ओके, 1.5 0.5 इनको ऐड करो, 8 6.8 क्या आया ये सेंटीमीटर? और जो स्केल है हमारा वो क्या है? 1 centimeter इज इक्वल टू 100 meter, क्योंकि हमको रियलिटी में निकालनी है। रियलिटी में 1 centimeter कितने के बराबर है? 100 meter के बराबर। तो 6.8 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करो 6.8 को। देखो 20 0 और 68 बन जा 68। पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। तो कितना हो गया ये? 680 meters। क्लियर है? मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है ये? 680 meters। और 1 kilometer में कितने मीटर होते हैं? 1000। मतलब 1000 से थोड़ा सा कम ही है, लगभग 700 है ये, तो मतलब 300 मीटर कम है। मतलब लगभग क्या है ये? 1 kilometer से थोड़ा सा ही कम है लाहौरी गेट से और दीवाने खास। क्लियर है?